नमस्ते फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ शालिनी और मैं फिर से आ गई हूँ आप सबके लिए ये वाला लुक लेके। होपफुली ये लुक आपको पसंद आएगा। तो सबसे पहले मैं यूज़ कर रही हूँ गुड वाइब्स का ये रोज टोनर एंड इसे मैं अपने पूरे फेस पे स्प्रे कर लूँगी। ये बहुत ही अच्छा टोनर है, बहुत अच्छे से आपके फेस को हाइड्रेट करता है, सेम टाइप एक नेचुरल ग्लो देता है। तो इसे मैं फिंगर की हेल्प से पूरे फेस पे ब्लेंड कर ले रही हूँ ताकि ये फेस में अच्छे से एब्जॉर्ब हो सके। नेक्स्ट मैं यूज़ कर रही हूँ पॉन्ड्स का ये लाइट मॉइस्चराइजर। ये अफोर्डेबल मॉइस्चराइजर है एंड ये काफ़ी अच्छा है, बहुत अच्छे से आपके फेस को हाइड्रेट करता है एंड बहुत ज़्यादा लाइट वेट है। अगर आपकी ऑयली स्किन है तो आप ये वाला मॉइस्चराइजर यूज़ कर सकते हो। एंड मेकअप से पहले आपको टोनर और मॉइस्चराइजर वाला स्टेप बिल्कुल भी स्किप नहीं करना चाहिए, ये बहुत अच्छे से आपके फेस को हाइड्रेट करता है। नेक्स्ट मैं यूज़ कर रही हूँ लॉरियल का बेज मैजिक प्राइमर। ये हाई रेंज का प्राइमर है, इसकी प्राइस है 950 रुपीज़। अगर आपको कोई हाई रेंज में प्राइमर चाहिए तो आप ये वाला यूज़ कर सकते हो। ये बहुत अच्छे से आपके फेस को प्रेप करता है, आपके पोर्स को मिनिमाइज करता है एंड सेम टाइम पर आपकी स्किन को स्मूथ भी बनाता है। बेस के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ लॉरियल का इन्फेलेबल फाउंडेशन। ये बहुत अच्छा फाउंडेशन है, हाई कवरेज फाउंडेशन है। इसे मैं फिंगर की हेल्प से पहले पूरे फेस पे अप्लाई कर लूँगी एंड ये काफ़ी अच्छा कवरेज देता है, हाई कवरेज देता है एंड ये बहुत इजीली ब्लेंड हो जाता है। इसे मैं नेक पे भी अप्लाई करूँगी। बहुत ज़रूरी है कि आप फाउंडेशन को नेक पे भी अप्लाई करो। इसे मैं ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से ब्लेंड कर लूँगी एंड आपको डैबिंग मोशन में ब्लेंड करना है, धीरे धीरे ब्लेंड करना है। आप देख सकते हैं कि ये कितना इजीली ब्लेंड हो जा रहा है, आपको कोई ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है इसे ब्लेंड करने के लिए। एंड इसका कवरेज भी बहुत ज़्यादा अच्छा है, हाई कवरेज फाउंडेशन है। तो अगर आप कोई हाई कवरेज फाउंडेशन ढूंढ रहे हैं तो आप ये वाला फाउंडेशन ज़रूर यूज़ कीजिएगा। इसमें बहुत सारे शेड्स है एंड ये काफ़ी अच्छा फाउंडेशन है। नेक्स्ट मैं यूज़ कर रही हूँ वेट एंड वाइल्ड का ये कंसीलर एंड इसे मैं एज अ हाइलाइटर कंसीलर यूज़ कर रही हूँ अपने डार्क सर्कल्स पे, आई शेडो बेस पे, ब्रिज ऑफ द नोज पे, चीक्स पे एंड जहाँ जहाँ मेरे डार्क स्पॉट्स है वहाँ वहाँ। ये एक बहुत अच्छा कंसीलर है, काफ़ी अच्छा कवरेज देता है बट ये बहुत जल्दी ड्राई हो जाता है। तो आपको इसे लगाते साथ में ब्लेंड करना स्टार्ट कर देना है। तो इसे मैं सेम ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से डैबिंग मोशन में ब्लेंड कर रही हूँ। बेस को सेट करने के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ फेसेस कनाडा का ये कॉम्पैक्ट। ये काफ़ी अच्छा कॉम्पैक्ट है, बहुत ही ज़्यादा लाइट वेट कॉम्पैक्ट है एंड जितना हो सके आप कॉम्पैक्ट कम यूज़ करें तो आपको बेस नेचुरल लगेगा। नेक्स्ट मैं यूज़ कर रही हूँ शुगर का ये डी फोर्स कॉन्टोर पैलेट एंड इससे मैं अपने फेस को कॉन्टोर कर लूँगी। इससे आपके फेस को अच्छा डेफिनेशन मिल जाता है। तो मैं अपने चीक बोन्स को, जॉ लाइन को एंड नोज़ को कॉन्टोर कर लूँगी। अगर आप एक अच्छा कॉन्टोर ढूंढ रहे हैं तो पैलेट ढूंढ रहे हो कॉन्टोर पैलेट तो आप ये वाला यूज़ कर सकते हो। इस पर बहुत अच्छे कॉन्टोर ब्लश एंड हाइलाइटर शेड्स है एंड ये इंडियन स्किन टोन के लिए काफ़ी अच्छा है एंड ये अफोर्डेबल भी है। इसकी प्राइस है 799 रुपीज़। तो 799 में आपको तीनों मिल जा रहा है तो और क्या चाहिए। एंड ये पाउडर बेस है तो ऑयली स्किन वालों लोग के लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। एंड नेक्स्ट मैं सेम पैलेट से जो ब्लश शेड है उसे अपने चीक बोन्स पर अप्लाई कर ले रही हूँ एंड ये पीची टोन में है, काफ़ी नेचुरल लगता है। नेक्स्ट मैं यूज़ कर रही हूँ ब्लू हेवन का ये आईब्रो पेंसिल एंड इससे मैं अपने आईब्रोज़ को डिफाइन कर लूँगी। ये काफ़ी अच्छा आईब्रो पेंसिल है एंड देन मैं ब्रश कर लूँगी अपना आईब्रोज को तो ये अच्छे से सेट हो जाएगा। नेक्स्ट मैं यूज़ कर रही हूँ नायका का ये काजल एंड इसे मैं अपने लोअर लैश लाइन पे एंड अपर लैश लाइन दोनों पे अप्लाई करूँगी। आपको कोई परफेक्ट लाइन ड्रॉ नहीं करना है क्योंकि बाद में हम इसे स्मच करने वाले हैं। नेक्स्ट मैं स्मजिंग ब्रश की हेल्प से काजल को स्मच कर रही हूँ अपने लोअर लैश लाइन एंड अपर लैश लाइन दोनों के काजल को एंड सेम उसी से मैं एक विंग आईलाइनर ड्रॉ कर रही हूँ तो ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है, एक स्मोकी लुक देगा आप। नेक्स्ट मैं ब्लेंडिंग ब्रश की हेल्प से अपर लैश लाइन के जो काजल है उसे थोड़ा और स्मोक आउट कर लूँगी एंड पूरे अपने आईलिड पर अप्लाई कर लूँगी तो ये काफ़ी अच्छा एक सॉफ्ट लुक देगा एंड थोड़ा लोअर लैश लाइन को भी स्मच कर लूँगी तो ये काफ़ी अच्छा एक स्मोकी लुक दे रहा है। मस्करा अप्लाई करने से पहले बहुत ज़रूरी है कि आपने लैशेस को कर्ल कर लीजिए। देन मैं यूज़ कर रही हूँ नायका का ये कर्ल पावर मस्करा एंड ये बहुत अच्छा मस्करा, बहुत अच्छे से आपके लैशेस को कर्ल करता है। देन मैं यूज़ कर रही हूँ नायका का ये फॉल्सेस, देन मैं सेम मस्करा से अपने लोअर लैशेस को भी कर्ल कर लूँगी एंड इससे काफ़ी अच्छा एक लुक आता है। देन मैं सेम कॉन्टोर पैलेट से हाईलाइटर वाला शेड लेके अपने इनर कॉर्नर पर अप्लाई करूँगी एंड सेम हाइलाइटर से अपने हाई पॉइंट्स पे यूज़ करूँगी। हाइलाइटर एंड ब्रश की हेल्प से मैं इसे यूज़ कर रही हूँ। इसे मैं अपने फोरहेड पे अप्लाई कर रही हूँ, अपने ब्रिज ऑफ द नोज पे अप्लाई करूँगी, अपने अपर लिप पे अप्लाई करूँगी। नेक्स्ट मैं यूज़ कर रही हूँ नायका का मिनी लिपस्टिक एंड इस पर मेरा शेड है चाय। ये बहुत ही प्यारा सा ब्राउन कलर का लिपस्टिक है एंड इस मेकअप को फिक्स करूँगी मैं फेसेस कनाडा के मेकअप फिक्सर से।
तो ये है मेरा फाइनल लुक। होपफुली ये वीडियो आपको पसंद आया होगा एंड ये लुक भी आपको अच्छा लगा होगा। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा एंड बगल में जो बेल आइकन है उसे हिट कीजिएगा ताकि मेरे आने वाली सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। एंड इसी तरह अपना प्यार मुझ पर बनाए रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।